दोस्तों फाइनली यहाँ पर वन प्लस की तरफ से हमें एक नई डिवाइस देखने को मिलने वाली है वन प्लस 9 सीरीज के अंदर। जैसा कि आपको पता होगा कि पहले हमें वन प्लस की तरफ से 3 नए डिवाइस देखने को मिलने वाले थे, वन प्लस 9, वन प्लस 9 प्रो एंड वन प्लस 9 एसी। बट यहाँ पर न्यू कन्फर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको वन प्लस एसी नाम के कोई भी डिवाइस देखने को नहीं मिलने वाले हैं। वन प्लस की तरफ से आपको वन प्लस 9 लाइट देखने को मिलेगा, जो कि आपको अप्रोक्सीमेटली $600 के करीबन देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 865 वाला पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी डिवाइस के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी एज ऑलवेज, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में और अच्छे अच्छे कंटेंट बना सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस को लेकर। तो जैसा कि आपको पता होगा या फिर नहीं भी पता हो तो मैं बता देता हूँ कि Qualcomm Snapdragon 845 के अंदर हमें काफी ज्यादा हीटिंग इशू देखने को मिलते थे और Qualcomm Snapdragon 855 के अंदर हमें काफी ज्यादा बैटरी ड्रेनिंग इशू देखने को मिलता था। बट Qualcomm Snapdragon 865 एक परफेक्ट चिपसेट है जिसमें कि हमें ना ही बैटरी ड्रेनिंग इशू देखने को मिलती है और ना ही हमें Qualcomm Snapdragon 865 के अंदर हीटिंग इशू देखने को मिलती है। तो ये हम कह सकते हैं कि आपको एक परफेक्ट डिवाइस देखने को मिलेगा OnePlus 9 Lite, जहां पर आपको Qualcomm Snapdragon 865 का पावरफुल 5G चिपसेट देखने को मिल जाएगा और उसके साथ ही बैटरी में यहां पर आपको 4500 mAh की एक पावरफुल बैटरी देखने को मिलेगी, जिसमें कि आपको 65 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहां पर आपको एडिशनल में कोई भी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब उसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं बैक साइड के डिज़ाइन और कैमरास के बारे में। तो बैक साइड के अंदर अभी तक डिज़ाइन कंफर्म नहीं हुआ है कि आपको कैसा दिखने को मिलेगा, बट डिज़ाइन जो होगा वो एक प्लास्टिक बॉडी के साथ होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बैक साइड के अंदर एक प्लास्टिक बॉडी का डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जो कि अब कंफर्म हो चुका है। साथ ही में अगर बात करें कैमरा क्वालिटी की तो 48 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी शूटर सोनी IMX586 का सेंसर देखने को मिलेगा। सेकेंडरी आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और लास्ट में आपको एक डेप्थ सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि काफी सिमिलर होगा OnePlus 8T के जैसा ही। अब उसके साथ ही दोस्तों फाइनली बात करते हैं इस डिवाइस के फ्रंट साइड के बारे में। तो फ्रंट साइड के अंदर आपको एक सिंगल पंच होल कटआउट के साथ 6.5 इंचेस का एक सुपर एमोलेड पैनल फ्लैट डिस्प्ले के साथ देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको 90Hz या फिर 120Hz की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और अगर बात करें सेल्फी कैमरे की तो सेल्फी कैमरे में आपको 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी शूटर देखने को मिलने वाला है। सो प्राइसिंग के हिसाब से फोन काफी अमेजिंग होगा और आपको काफी अमेजिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा और ये फोन कम्पीट करने वाला है सैमसंग गैलेक्सी के फैन एडिशन के साथ, जो कि सैमसंग ने हाल ही में लॉन्च किया था। और फाइनली दोस्तों बात करते हैं इस डिवाइस के प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। तो इस डिवाइस का प्राइस जो है वो यूरोपियन मार्केट में $600 के अप्रोक्सीमेटली बताया जा रहा है, बट इंडियन मार्केट में शायद से आपको ये $500 तक भी देखने को मिल सकता है। एंड फाइनली अगर बात करें लॉन्च डेट की तो OnePlus 9 सीरीज के लॉन्च इवेंट में ये आपको OnePlus 9 लाइट भी देखने को मिलने वाला है। तो क्या आप इस डिवाइस को लेकर एक्साइटेड है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो फाइनली आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी अमेजिंग लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने छोटे भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल, स्टे सेफ एंड हैव अ लवली डे।